आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ बड़े फैसले सरकार करने की यहाँ तैयारी में है और अब इसी में कुछ संशोधन को लेकर सरकार ने होमवर्क भी किया है, जिसका आज संसद में झलक भी दिखेगी, जहाँ संशोधन बिल लेकर आने वाली है सरकार। लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष जो है वो इसको लेकर विरोध अभी से जता रहा है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कह दिया है कि ये हमें बर्दाश्त नहीं, जमीयत उलेमा की तरफ से कह दिया गया, शरीयत में दखलअंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं। खबर क्या है पूरी, ये जान लीजिए। वक्फ बोर्ड की हैसियत को कम करने की तैयारी यहाँ सीधे तौर पर सरकार की सामने आ रही है और आज संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन एक्ट बिल। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम किया जा सकता है, जो जानकारियां हैं 40 ऐसे संशोधन हैं, 40 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर सरकार काम कर रही है। बीजेपी को बिल पास कराने के लिए अन्य दलों के सहयोग की भी जरूरत पड़ने वाली है। संशोधन बिल में 40 संशोधन किए गए हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। विपक्ष ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की है। विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें इस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाएगा 40 संशोधन को लेकर, या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर विपक्ष ने एतराज जताया है। इसको लेकर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एतराज जाहिर किया गया है। उधर AIMIM की तरफ से विरोध पहले ही दर्ज किया जा चुका है। विपक्ष ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की है। आज संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन एक्ट बिल, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि 40 संशोधन हो सकते हैं जो इस बिल में शामिल हैं। आज संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का आज सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM की तरफ से इसको लेकर विरोध दर्ज किया जा चुका है। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि इसको लेकर कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध दर्ज करने के लिए लोकसभा में बाकायदा नोटिस भी दे दिया है। अब लोकसभा में नोटिस भी दे दिया गया विरोध को लेकर, और जिस तरह से अभी तक चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि जब से इस बात का जिक्र होना शुरू हुआ है तब से ही विरोध के सुर भी धीरे धीरे उठ रहे हैं। जानकारी ऐसी भी और आरोप ये भी, जो मुस्लिम संगठन है वो ये कह रहे हैं कि सरकार की नजर है वक्फ की संपत्ति पर, इसीलिए वो इस तरह से संशोधन लाना और संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। जबकि सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लॉजिक ये दिया गया है कि जो असीमित शक्तियां हैं उन्हें सीमित करने के लिए ये बिल लाना जरूरी है और मनमानी को रोकने के लिए ये बिल लाना जरूरी है। साथ ही साथ सरकार के लिए ये जरूरी भी है कि अन्य दलों का साथ मिले, वरना मुश्किल रहेगा इस बिल को पास कराना। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं, 40 संशोधन ऐसे हैं जो इस बिल में शामिल किए गए हैं। संशोधन बिल में 40 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र यहां बीजेपी की तरफ से हुआ है। वक्फ एक्ट में संशोधन की बात यहां पर बीजेपी की तरफ से सामने आई है और ये बिल आज संसद के पटल पर रखा भी जाएगा। इस विधेयक को लेकर अलग अलग पार्टियों का रुख क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM की तरफ से इसे विरोध दर्ज कराया गया है। विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि इस तरह की जो दखलअंदाजी है वो नहीं होनी चाहिए। जमीयत उलेमा तो यहाँ तक कह चुका है कि ऐसी दखलअंदाजी हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। इस बिल को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद है वो बिंदु है वक्फ बोर्ड की संपत्ति। दरअसल देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं और इनके बीच में तालमेल के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है और जिस तरीके से अभी तक की बातें सामने आ रही हैं, ये जो तालमेल है ये उस तरीके से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। 1995 में भी वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया था, उसके बाद 2009 में ये संपत्ति 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। इन ज़मीनों में ज़्यादातर हिस्सों में मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है। फिर दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां पर वक्फ संपत्ति सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। ऐसे में वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी यहाँ पर सामने आ रही है। मोदी सरकार का बड़ा प्लान है वक्फ अधिनियम में संशोधन का। 40 संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। 40 संशोधन प्रस्ताव पर सहमति के बाद बोर्ड की अनियंत्रित जो शक्तियां हैं वो कम हो जाएंगी। असीमित शक्तियों को ही कंट्रोल करना है। यहां 40 संशोधन को लेकर जब प्रस्ताव रखा गया है उस पर कितनी सहमति होगी, कितनी असहमति होगी, संसद के इसी सत्र में विधेयक
ये सामने आएगा और आज ही कहा जा रहा है कि सदन में इस विधेयक को पेश भी किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यही रहेगी, केंद्र सरकार को यहाँ पर बाकी जो दल हैं उनके भी सहयोग की जरूरत होगी। किसी भी विधेयक को अगर आप सदन में पेश करते हैं तो उस पर सभी के सपोर्ट से, यानी कि एक निश्चित नंबर तक अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट के बाद ही कोई भी विधेयक कानून की शक्ल लेता है। यहाँ वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से तब्दीलियों की बात सामने आ रही है या फिर जो 40 पॉइंटर्स हैं उन पर सभी की सहमति होगी, यानी कि एक निश्चित नंबर में सहमति होगी। जाहिर सी बात है, सरकार हुई यानी कि बीजेपी हुई, घटक दल हुए, उनका तो सहयोग रहेगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों के भी सहयोग की ज़रूरत इन नंबर्स में होने वाली है ज़रूरी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राह आगे की मुश्किल होगी। और अभी चूंकि विधेयक पेश भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस AIMIM की तरफ से इसको लेकर विरोध भी दर्ज कराया जा चुका है। 40 संशोधन कहे जा रहे हैं कि इस बिल में होने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि जो असीमित शक्ति है उन्हें सीमित भी किया जाना है। कहा यह जा रहा है कि इन संशोधन के बाद में जो मनमानी है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यहां अलग अलग संगठनों की तरफ से, खासतौर से मुस्लिम संगठन और AIMIM की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति को हड़प लेना चाहती है सरकार, इसीलिए इस विधेयक की तैयारी हो रही है। संशोधन बिल के जो प्रमुख बिंदु हैं, 40 ये संशोधन हैं। साथ ही साथ सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिशों में राजस्व के साथ साथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मैपिंग की ज़रूरत पर भी जोर दिया था, जो कुछ इस तरीके से हैं जिसमें 40 बिंदु बताए गए हैं। इसमें बिल में वक्फ शब्द को कम से कम 5 सालों से इस्लाम का पालन करने वाले और ऐसे संपत्ति के मालिकाना हक वाले व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया जाएगा। साथ ही साथ वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं को भी ऐसी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाने की बात है। साथ ही साथ जिला कलेक्टर स्तर अधिकारी इसको लेकर फैसला ले, जो सर्वे होता है वक्फ संपत्तियों में। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके और वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू की भी जांच हो सकेगी। ऐसे अलग अलग पॉइंटर्स हैं इन 40 पॉइंट्स में जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। हाजी नजीम खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और RK मिश्रा जी हैं बीजेपी नेता, विजय कौशिक नेता कांग्रेस, मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब यहाँ सबसे पहले नजीम खान जी, मेरा आपसे सवाल होगा, यहाँ आज सरकार की बड़ी तैयारी, हालांकि इससे पहले भी चर्चा थी लेकिन कहा जा रहा है कि संसद में आज ही ये बिल पेश किया जाएगा, क्या कुछ आपका रिएक्शन इसको लेकर, क्योंकि अलग अलग मुस्लिम संगठन है जो कि विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। देखिए, विरोध करना हमारी अपने संविधान की तरफ से हमको फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारा हक बनता है कि हम अपना विरोध जताएं। और देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात करी जा रही है तो बार बार मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे तो सरकार की नजर है, लेकिन जब ये बता दीजिए क्या आश्रम के पास जो जमीनें हैं क्या उसके ऊपर भी सरकार की नजर है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन तो दान दी हुई जमीन है, हमारे अपने बुजुर्गों ने, हमारे अपने मुस्लिम भाइयों ने वक्फ बोर्ड को जमीन वक्फ कर दी। तो अब ये बता दीजिए, जब वक्फ करीबी ही जमीनों पर अगर सरकार अगर नजर रखेगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो सरकार ये कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारे अपने मौलिक अधिकारों को हमारे से बिल्कुल वंचित करना चाहती है ये एक अध्यादेश के द्वारा। इस बात का सवाल का जवाब मैं पूछ लेती हूँ आरके मिश्रा जी से। आरके मिश्रा जी, हाजी नजीम खान कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ही आपकी नजर है या आश्रमों पर भी है, आश्रमों की जमीन पर भी है? देखिए, ऐसा है रचना जी, यहाँ पर एक जो प्रश्न किया उसका दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो कि वक्फ के पास में जितनी संपत्ति है और उसको ये जो असीम शक्ति दी गई, इसका इसके पीछे मंशा क्या थी, इसका आधार क्या था? क्योंकि 1995 का जो मूल अधिनियम है, जो मूल नियम था, उसमें 2013 में जिस तरह से संशोधन किया गया, उस संशोधन के मुताबिक मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो अन्य विपक्षी दल आज वहां पर उसके पीछे या उसके विरोध में जो खड़े हैं, तो उनके पीछे ये मंशा क्या था, इसके पीछे आधार क्या था? क्योंकि ये देश केवल जनता ही नहीं पूछ रही, बल्कि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम पक्ष भी इस चीज को पूछ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, संशोधन के पीछे मंशा क्या है? संशोधन के पीछे मंशा यही है, क्योंकि आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड जिस तरह से उसका दुरुपयोग कर रहा है, अपनी असीम शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है,
उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का प्रयास है ये। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जिस तरह से तमिलनाडु की जो घटना घटी, उस घटना के अंदर में अगर देखेंगे तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने क्या कहा था, बस बहुसंख्यकवाद के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मंशा है या जो उसका आधार था, इसमें असीम शक्तियों का जो बढ़ोतरी किया गया, ये बढ़ोतरी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीछे छिपी जो मंशा थी वो स्पष्ट कर रही है। मुझे लगता है इसमें संशोधन की बहुत आवश्यकता है। आप कह रहे हैं संशोधन की जरूरत है और कांग्रेस की छिपी हुई मंशा इसमें नजर आ रही है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस की कौन सी छिपी हुई मंशा है? देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा, इनके मुताबिक कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर पर बिठाया और अब भारतीय जनता पार्टी उन मुसलमानों को जमीन में गाड़ देना चाहती है, उनकी कब्र बना देना चाहती है। तो ये तो भाजपा की मंशा इनके प्रवक्ता के माध्यम से स्पष्ट हो गई, पहली बात। दूसरी बात, हमारी मंशा जान लीजिए, हमारी मंशा स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक देश है भारत। इसमें अगर हम किसी भी जाति, बिरादरी या समुदाय के लोगों के बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं तो उन्हें भी बुलाकर बिठाकर बात कर ली जाए। जिस तरह से कृषि बिलों को लेकर मोदी जी ने किसानों से कोई बात नहीं की, लेकिन बाद में उन्हें कृषि बिल वापस लेने पड़े कि मैं समझा नहीं पाया। अरे भाई, मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाओ, उन्हें बताओ कि भाई क्या क्या कमियां हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो हम ये कहते हैं, क्या सरकार ने कोई जांच कराई थी जिसके आंकड़े के आधार पर सरकार ये कह रही है कि उसमें भ्रष्टाचार है? इसके अलावा सरकार भाजपा की तरफ से जो कई तरह के मुद्दे उठाए हैं वो इसे मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़कर चल रहे हैं कि भी ये तो मुस्लिमों का तुष्टिकरण है वक्फ बोर्ड। तो यानी कि इस पर कब्जा करके भाजपा मुस्लिम तुष्टिकरण की उस भावना को खत्म करना चाहती है जो भाजपा के मुताबिक ही तैयार की गई है। तो बहुत सारे मुद्दे। आरके मिश्रा जी, एक बात तो सही है, किसानों को लेकर जो 3 नए कृषि कानून आए थे उसके बाद बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला था, सड़कों पर 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला था। अब जब इतना बड़ा कोई फैसला लेना था, कम से कम कुछ मुस्लिम संगठनों को ही इसमें इन्वॉल्व करते, कुछ मुस्लिम नेताओं को भी इन्वॉल्व करते, उनसे भी पूछा जाता, सलाह ली जाती, फिर कोई संशोधन होता। देखिए रचना जी, ये जो विधेयक लाया गया इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सबकी सहमति है। आप देखेंगे मुस्लिम संगठनों का भी इसमें सहमति है, मुस्लिम पक्षों का भी सहमति है। यहाँ पर विजय कौशिक जी इस नैरेटिव को प्रयास कर रहे हैं, जो कि इसको सेट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि सरकार ने हर एक पक्षों का उसमें उन्होंने सहयोग लिया है, समर्थन लिया है, उनकी सहमत ली है, उसके बाद जाकर के इस विधेयक को आज संसद के अंदर में रखा जाएगा। हाँ। यहाँ पर कांग्रेस, मैं बार बार इसमें कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप आरके मिश्रा जी, अगर सहमति ली जाती तो फिर इस तरीके से विरोध थोड़ी होता। विरोध अब संसद के भीतर से ही शुरू हो गया है और संसद से कब सड़क पर आ जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं मयंक जी से जान लेती हूँ। मयंक जी, आप बोलिएगा अभी इसके बाद में। मयंक जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIIMIM ये साफ कर चुके हैं कि सदन के भीतर हम इस संशोधन का, इस विधेयक का विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे क्या, क्योंकि MY